एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का मेरे आज के ब्लॉग पर। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हम लोग अपने घर से, और बज चुके हैं सुबह के 9। तो मैंने अपना बहुत जल्दी खाना बना लिया, वो भी इसलिए क्योंकि दक्ष के साथ साथ मैं कभी खाना नहीं बनाती हूँ, उसका लंच हमेशा अलग ही तैयार रहता है। तो आज मैंने दक्ष के साथ ही खाना बना लिया, फिर सडनली मेरा प्लान बना कहीं जाने का, तो हम लोग जा रहे हैं अभी। जहाँ जा रहे हैं आप लोग देखते रहिए क्योंकि ब्लॉग पे आप लोग को बने रहना है। तो चलिए फिर मेरे साथ जाना, मैं जा रही हूँ। अभी हम लोग बुआ के घर से निकल के और जा रहे हैं इनके दोस्त के यहाँ पे, जो कि इन्हें बिजनेस वाला अपना काम है। तो फिर हम लोगों ने बुआ से पूछा था रास्ता बिसौटा गाँव का, जो ये बिसौटा है ना खटीमा साइड पड़ता है। तो बुआ फूफा लोगों ने बताया कि इधर इधर से इस तरह से जाना होता है, लेकिन हम लोग ना रास्ता भटक गए। तो बहुत सारा घूमने के बाद हम लोग एक गांव में पहुंचे और वहां पे भी वो नहीं मिल रही थी जगह। तो फिर इन्होंने अपने जो फ्रेंड है उनको फ़ोन लगा दिया, तो उन्होंने फिर बताया कि उनकी शॉप कहाँ पे है। तो फिर हम लोग राउंड लगा के फिर वापस आके तब पहुँचे एग्जैक्टली इनकी शॉप पर। हम लोग ना बड़ी मुश्किल से ये वाला गांव ढूंढ पाए हैं, और ये वाला गांव पड़ता है ना खटीमा से बहुत ज़्यादा अंदर, थोड़ी दूर जाके जंगल भी आ जाएगा। तो पतिदेव अपने बिजनेस के काम से आए हैं और हमारा तो ऐसा ही रहता है। तो यहाँ पे जिसकी शॉप है वो तो आया ही नहीं है, पर कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, तो ये अपना काम निपटा लेंगे। उसके बाद जाऊँगी मैं अपने मायके, क्योंकि लड़कियों का फेवरेट होता है। तो सबसे पहले पतिदेव का यहाँ का काम निपटाते हैं और उसके बाद चलते हैं फटाक से। अभी मैं बैठी हूँ मजे से और पतिदेव ले रहे हैं अपना डाटा, मतलब अपने जो दुकान का काम है वो कर रहे हैं, और मैं इनके बेड में ना बढ़िया से बैठी हुई हूँ। और ये आप लोगों को दिखाती हूँ, यहाँ पे ना ये खुद ही चला रहे हैं लैपटॉप भी चला रहे हैं ना। और यहाँ पे भी लग गए हैं काम पे। तो पतिदेव यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं, उनका लैपटॉप चला रहे हैं, और तुम ही हो ना, शक्ल तो दिखा दो। हम लोग गए थे इनकी शॉप पे, तो पतिदेव की फ्रेंड तो थे नहीं, तो ये थी वो भैया की मिसेज, तो हमारे लिए इन्होंने बना दी चाय। फिर हम लोग चाय पी के यहाँ से भी फटाफट से निकलते हैं। अभी मैं पहुंच गई लड़कियों की फेवरेट जगह पे, मतलब अपने मायके पे, और ये मेरा लड्डू है। मैंने कल को कहा था कि लौट के कैमरा इसी के पास चला जाता है, तो अभी आप लोग को दिखाती हूँ कि अपने फूफा के गोद में क्या कर रही है। क्यों देख रही है? ये भी देख लीजिए, ये देख, ये भी इधर देख, इधर देख, कहाँ है, कौन है, ये भी इधर देख, शैतान बब्बू, ये हाँ सब कुछ मुँह में डाल ले। ये देखो अपनी फूफा की गोद में खेल रही है, दिखा तोता, दिखा अपना, देख देख देख। और ये हमारे लिए ठंडा आ गया है क्या आरती? मैं अभी पहुंच चुकी हूँ अपने ससुराल, और आप लोगों को बता दूं मैं अपने मायके गई हुई थी अपनी बहन की तबीयत पूछने के लिए। उसकी तबीयत खराब हो रही है, इस वजह से उसका हालचाल पूछने गई थी। तो उसकी तबीयत ना बहुत ज्यादा खराब हो रही है, उसकी तबीयत में थोड़ा सा भी सुधार नहीं आ रहा है, और मुझे अच्छा नहीं लगा वहाँ पे ब्लॉग बनाना, इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। उसके लिए प्रे की थी कि वो फटाफट से अच्छी हो जाए और मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे। तो आप लोगों को पता है कि सभी लड़कों को मैगी में अच्छा लगता है, पर आना तो है किसी मम्मी के लिए रह जाती है ना यहाँ पे, तो अच्छा भी नहीं लगता है क्योंकि वो चले जाते हैं तो हमें ना सुनना लगता है, और अगर हम लोग चले जाए तो उन्हें भी कितना सुनना लगता है। तो हम दो रात रुक के और फटाक से भाग आते हैं। और अब भी ना मैं खाना बना रही हूँ शाम को, और शाम के खाने में बन रही है करेले की सब्जी। अरे आज इस मौसम को क्या हुआ, होने वाली थी आंधी पर ना बारिश आ गई, और बारिश का तो पता ही नहीं था, मतलब बादल तो बने अचानक से लेकिन बारिश भी आ गई, और अभी भी बादल छाए हुए हैं, और थोड़ी देर के लिए बारिश आई थी और अभी बारिश रुक चुकी है। और जैसे ही बारिश ख़त्म होती है हम लोग फटाक से तैयार होके आ जाते हैं दी के काम से। और आप लोगों को पता है मैं अभी कहाँ पे बैठी हूँ, मैं आई हूँ दी के काम से, बिजली विभाग वाले ऑफिस पे, जहाँ पर दी को ना बिजली का बिल वगैरह क्या क्या था जो काम था दी का, मतलब दी का ही काम था। तो ये काम तो अभी हो चुका है और अभी हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। तो दी और पतिदेव जा रहे हैं आगे आगे, और मैं बनाते जा रही हूँ ब्लॉग,
फिर हम लोग ना दी के लिए काम भी अभी बहुत है मार्केट में, तो अरे अरे आप मुझे मत भूल जाना, मैं भी इनके साथ हूँ। तो ये ठहरी मैं, और अभी हम लोग ना दी को शॉपिंग कराएंगे, तो आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए और मेरी दी क्या क्या लेने वाली है वो भी देखिए। मेरी दी को लेनी थी सिलाई मशीन, क्योंकि मेरी भांजी जो है ना वो सिलाई सीखेंगी, सिलाई तो नहीं आती और अच्छी तरह से सीखेंगी। तो हम पहुंच गए इस छोटी सी दुकान पे जहाँ बहुत ज़्यादा सिलाई मशीन रखी हुई थी। तो दी ने यहाँ पे सिलाई मशीन चेक की और उन्हें पता ही नहीं था कि मैं उन्हें मतलब ब्लॉग पे ले रही हूँ, तो हंस रही है मुझे देख के। तो फिर हमने फाइनली ये वाली मशीन ना पसंद की, तो अभी इसको हम लोग कराते हैं पैक। और दी ने अपने भाई को दिए पैसे कि जो शॉपकीपर उन्हें पैसे दे। तो हमारी मशीन हो चुकी है पैक और अब इसको लेके हम लोग जाने वाले हैं। अभी हम लोग मार्केट घूम रहे हैं और दी लोगों को ना हम लोग दिखाने के लिए लाए हैं लकड़ी वाली अलमारी, जो कि कुछ इस तरह की बन के आ रही है आजकल। और मैं ना सच में ये फर्स्ट टाइम देखती हूँ, तो मैं पता नहीं कहाँ पे रहती हूँ, तो आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है अलमारी यहाँ की, जो ये प्योर लकड़ी की है। और यहाँ पे ये कुछ ऐसा है, मतलब ये ना जैसे वाली अलमारी होती है वैसी वाली है। और ये ना तीन डोर में है, ये है डबल डोर और ये है ऐसी वाली, इसी के साथ अटैच है। तो हम नदी को दिलाने के लिए लाए हैं, सब कुछ ले जाएंगे इनके लिए। और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और क्योंकि बज रहे हैं ऐसे 12:30 बज रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। बाहर से आए हैं तो इस वजह से गर्मी, पंखा चल रहे हैं अब ठंडा लगा, पंखा ऊपर लगे हुए मेरे, हाँ गर्मी तो लग रही है। क्योंकि यहाँ पे दी को अलमारी समझ नहीं आ रही है, बोल रही बनवानी पड़ेगी ना डबल डोर में, और छोटे छोटे उनको रैक चाहिए। और भाई बहन पता नहीं क्या सलाह कर रहे हो, क्या कर रहे हो? और ये कैसी अलमारी है, सफ़ेद सफ़ेद सी, ऐसी दीवार होगी तो ऐसी अलमारी अच्छी लगेगी, वरना ये वाली अलमारी देखने के लिए आए थे, सुंदर लग रही है ये आजकल ये अलमारी। और ये यहाँ पे बेड भी काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, और हम लोग दोबारा से आएंगे फिर यहाँ पे। अच्छा मतलब ये भी कस्टमर बैठे हुए, हमने सोचा तो हमारा पोपट हो गया। हमने सोचा ये शॉप वाले हैं, लेकिन ये खुद खरीदने के लिए आए हैं। और आप लोगों को दिखाते हैं ना यहाँ पे सारा लकड़ी का सामान है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे भी मैं हूँ और यहाँ पे भी मैं हूँ, मतलब ये सारे ड्रेसिंग टेबल ही हैं। और इधर साइड पे भी हैं ड्रेसिंग टेबल, तो सब साइड में यही है। ये दिख रहे हैं, मैं दिख रही हूँ, और इस साइड में अलमारियाँ हैं। ये तीन डोर में और दी कुछ ये डबल डोर में, तो ये वाली है डबल डोर में, पर ये इसकी लंबाई संबाई क्या है कम लग रही है दी को। चलो फिर, और ये लॉकर ऊपर है। अभी दी और पतिदेव पता नहीं कौन सी अलमारी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उन्हें ना अपने हिसाब से जो रैक होती है ना वो चाहिए, तो वो पसंद नहीं आ रही, इसलिए हम लोग दूसरी दुकान पे आ चुके हैं। और अभी पतिदेव पता नहीं क्या क्या पूछ रहे हैं, वो तो यही दोनों जाने। और मुझे तो बस ब्लॉग बनाने से मतलब है, मैं तो लगी हुई हूँ अपने काम पर। और बाकी आप लोगों को भी दिखा रही हूँ कि आजकल जो लकड़ी वाली अलमारी चल रही है वो कुछ इस तरह से आ रही है, तो पसंद नहीं आती है, तो फिर हम लोग देखते हैं। अब फिर इसको ऑर्डर पे बनवा के जाने वाले हैं फिर हम लोग, तो जैसा भी होता है हम लोग करते हैं कुछ ना कुछ। आज तो सुबह सुबह बारिश हुई और बारिश के बाद दीने का मार्केट चलते हैं, तो उनके काम से हम लोग चले गए थे मार्केट। और इतनी ज़्यादा धूप हो रही थी ना, घर आने के बाद भी बहुत ही ज़्यादा धूप लगी थी, तो जस्ट आके मैंने तो ब्लॉग शुरू किया नहीं, तो अभी थोड़ा आराम करने के बाद, और मेरी दी भी जा चुकी हैं अपने ससुराल, तो मैंने कहा अभी मैं थोड़ी देर के लिए फ्री हो जाती हूँ, तो आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या काम कर रही हूँ। ये है मेरे समूह वाला रजिस्टर, और मेरे समूह का नाम है कृष्णा स्वयं सहायता समूह। तो बाकी ये जो मेरा रजिस्टर है ना वो बन रहा है, थोड़ा सा काम बाकी रह गया था और इसलिए मैं बना रही हूँ इसको। और आप लोग
बताइए कमेंट करके कि मेरी राइटिंग कैसी लग रही है आप लोगों को। और कुछ इस तरह से बन रहा है ये वाला रजिस्टर। ये मीटिंग वगैरह जो मतलब जो वीकली मीटिंग होती है ना उसका रजिस्टर है, तो इसलिए मैंने ये बनाया। तो मैं तो यहाँ पे अपना काम कर रही हूँ, पर पतिदेव ना बाहर काम कर रहे हैं वो धान का बीज डालने के लिए। तो यहाँ पे घर के पास मैंने आप लोगों को दिखाया था ना कि हम लोगों ने जगह साफ कर रखी है, तो वो क्यारी बना रहा है। तो आप लोगों को दिखाई देती हूँ कि वो अकेले लगे हुए हैं। और पहले तो थोड़ी देर के लिए मम्मी लगी हुई थी, लेकिन अभी वो अकेले लगी है क्योंकि मेरा रजिस्ट्री कम्प्लीट करने को है। आज भी कह रही थी ना कि CCL वगैरह जो है वो CCL के लिए हम लोगों को रजिस्टर कम्प्लीट चाहिए, तो इसलिए मैं अपना रजिस्टर कंप्लीट करने में लगी हुई हूँ। और बाकी आपको दिखाती हूँ ना ये कैसे कैसे काम कर रहे हैं। और दक्ष भी साथ में लगा हुआ, मम्मी भी है। यहाँ पे हमारी छोटी छोटी क्यारी बन रही है, जैसे कि पहाड़ों में बनती हैं। तो एक क्यारी वो बन चुकी है छोटी सी, और बाकी ये दूसरी वाली क्यारी भी ना बना रहे हैं। दक्ष लगा हुआ है, ऐसे मिट्टी ऐसे सन गई है उसको, फिर भी उसको बड़ा मज़ा आ रहा है देखो। अच्छा मतलब पैर से ऐसे ढीले टूट जाएंगे क्यों? हाँ गींज दे, इसकी भाषा में बोल रहा है गींज दे। मिट्टी को गींज दे ये ऐसे कह रहा है। गींज दे तो मैं नहीं कहती हूँ, ये पता नहीं कौन सी पुरानी जमानी भाषा बोलता रहता है। और ये ना यहाँ पर ट्रैक्टर तो चलेगा नहीं, सबको पता ही है, क्योंकि ये क्यारियाँ पहाड़ों के जैसी बनी हुई है छोटी छोटी। तो यहाँ पे मैंने सलाह दी थी ना कि फड़वे से कर ले ताकि पानी थोड़ा कम सूखे, और मैं ही काम नहीं करा पा रही हूँ, तो इसलिए ये फड़वे से यहाँ पे खुदाई करने के बाद। और फिर मम्मी भी लगी हुई हैं, मेरे से कम मम्मी लगी हुई है, जा रही थी नहाने के लिए फिर यहाँ पे घुस गई। और यहाँ पे साथ में है ना इस छोटी सी क्यारी के पास, जब पौध डालेंगे ना तब आप लोगों को दिखाऊंगी। और अभी तो क्यारी बन रही है, पौध तो शायद हो सकता है परसों तक डालें। और आप लोगों को दिखाते हैं ये ना, ये बेल है छोटी सी, तो ये है चचीड़े की बेल, और इसमें हल्के से चचीड़े आने भी लगे हुए हैं। तो अभी तो शायद दिखे ना दिखे, लेकिन जब वो होंगे ना ज़्यादा दिखेंगे तब आप लोगों को दिखाती हूँ। जो धान की फसल होती है ना उसमें ना बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत शुरुआत से ही करनी पड़ती है, और ये शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि जब हम लोग धान के बीज डालेंगे तभी तो रोपाई हो पाएगी ना धान की, तो उसके लिए देखिए कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आप लोग मेरे ब्लॉग पे बने रहिए, और मैं तो भाई पक्के किसान हूँ, बाकी तो जो काम घर का होता ही होता ही है। और मैं पतिदेव के साथ हमेशा ही लगी रहती हूँ, और आप लोगों को ब्लॉग में दिखाती रहती हूँ। पतिदेव को क्यारी बनाते बनाते बहुत ज़्यादा प्यास लगी, तो मैं पानी ले आती हूँ, फिर दक्ष को दे देती हूँ। दक्ष कह रहा है मैं पी लेता हूँ, मैंने कहा पी लो, मैं दूसरा ले आऊँगी, पर इसने पिया भी नहीं, बोल रहा है नहीं पीऊँगा। फिर ये अपने पापा को पानी पकड़ा देता है ना, तो ये पानी भी पी लेते हैं, उसके बाद फिर से क्यारी को कम्प्लीट करेंगे। तो मैं भी आज के ब्लॉग को यहीं तक रखती हूँ। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा।